तो कल मैंने आपको यहां पर छोड़ा था, क्लियर। ब्लू कलर्ड डाई यील्डिंग प्लांट ऑफ द फेबेसी इज, फेबेसी का नीला रंजी डाई देने वाला पौधा कौन सा है? तो आपको पौधे का नाम भी बताना है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि वो फेबेसी फैमिली का ही होना चाहिए, क्लियर। तो फटाफट आपके आंसर आने दो। गुर्जर जी बोल रहे हैं ए, हाँ। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ए वाला आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। फेबेसी मतलब लेग्यूमिनोसी फैमिली, कौन सी फैमिली? लेग्यूमिनोसी, क्लियर। तो लेग्यूमिनोसी फैमिली के अंदर आता है इंडिगोफेरा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नील, क्लियर। क्या बोलते हैं? नील, इंडिगोफेरा टिंकटोरिया, क्लियर। हाँ यादव जी बिल्कुल, बी, बी वाला कैसे दे दिया आपने, क्लियर। ये ट्राइफोलियम है, आपने पढ़ा होगा ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम बरसीम है, आया ना समझ में, ये चारा है पशुओं का, क्लियर। तो इंडिगोफेरा टिंकटोरिया, आपने नाम अगर सुना हो, क्लियर, इसको का इससे नीले रंग का जो डाई है जिसको हम नील बोलते हैं वो प्राप्त होती है, और इसको हम लोग नील कहते हैं, वैसे इंग्लिश में इसको इंडिगोफेरा भी कहते हैं। इसका बोटनिकल नेम होता है इंडिगोफेरा टिंकटोरिया, जो कि फेबेसी फैमिली या लेग्यूमिनोसी कुल का पौधा होता है, क्लियर। चलो ठीक है, मैं आपको इसका पौधे को भी बताता हूँ भैया कैसा होता है। तो नील का जो पौधा होता है वो इस टाइप का पौधा होता है, यह है इंडिगोफेरा टिंकटोरिया। इस प्रकार की फलियां निकलती है उससे, क्लियर, और यहां पर ये जो आप बीज देख रहे हो इस प्रकार के इसके बीज निकलते हैं, क्लियर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ। ग्लाइकोलिसिस के दौरान निम्न में से क्या नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया मैंने कई बार आपको समझाई है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ग्लाइकोलिसिस जो क्रिया होती है उस क्रिया के दौरान इनमें से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? तो फटाफट आपके आंसर आने दो। पटीदार जी बोल रहे हैं डी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कौन सा? तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया, फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्लियर। ये जो क्रिया है इसमें फोटो वर्ड आ रहा है, फोटो मतलब प्रकाश, क्लियर। तो यहाँ प्रकाश की बात कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि ग्लाइकोलिसिस किस में होता है? तो ग्लाइकोलिसिस श्वसन की एक स्टेप है, पहली स्टेप है। मैंने पिछले वीडियोस अगर देखोगे तो आपको बताया है कि ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया श्वसन का पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। और आप सभी को पता है कि श्वसन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर आपको बोला है फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पर जो एडीपी से एटीपी का बनना या एटीपी से एडीपी का बनना, ये जो क्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति के कारण नहीं होती। फॉस्फोरिलेशन तो होता है, ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फोरिलेशन तो होता है, लेकिन फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं होता। फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है? जब आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ते हो, क्लियर। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब आप प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ते हो, लाइट रिएक्शन पढ़ते हो, तो वहां आपको एक स्टेप मिलती है फोटोफॉस्फोरिलेशन। इस चीज को ध्यान रखना। तो वो प्रकाश, ये जो क्रिया है ये प्रकाश संश्लेषण की है। बाकी डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया भी यहाँ पर होती है, साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, और आइसोमेरेशन की क्रिया भी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया नहीं होती? तो अगर श्वसन में फोटो वर्ड वाली अगर कोई क्रिया है तो वो बिल्कुल भी उसमें नहीं होगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन वेराइटी ऑफ बी। निम्न में से कौन सी एक भारतीय किस्म की मधुमक्खी नहीं है? फटाफट बताओ भैया कौन सी नहीं है। राजपूत जी डी। चलो तो यहां पर अगर आप देखो तो फर्स्ट जो आंसर है एपिस मेलिफेरा, दूसरा है एपिस इंडिका, थर्ड है एपिस फ्लोरिया, और फोर्थ है एपिस डोरसाटा। तो एपिस फ्लोरिया जो होती है ये भारतीय मधुमक्खी है, क्लियर। एपिस फ्लोरिया जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मुंगा या भुनगा मधुमक्खी भी कहा जाता है। ये छोटी मधुमक्खी होती है लेकिन ये भारत की है।
दूसरा एपिस इंडिका भी भारत की है, ये तो मुख्य वेराइटी है भारत की। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो एपिस डोरसाटा, ये पहाड़ी मधुमक्खी है। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों की तीनों भारत की है। और यहाँ पर एपिस फ्लोरिया जिसको कहा जाता है एग्जोटिक या फिर क्या बोलेंगे इसको, यूरोपियन मधुमक्खी, क्लियर, जो यूरोप से भारत में लाई गई थी। तो इस चीज को ध्यान रखना भैया, यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा एपिस फ्लोरिया, क्लियर। एपिस फ्लोरिया जो है ये भारतीय मधुमक्खी नहीं है, ये विदेशी मधुमक्खी है, क्लियर, विदेश से भारत लाई गई है। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो पाली जाने वाली जो वेराइटी है मधुमक्खी में वो यही है एपिस फ्लोरिया, क्लियर। इसका शहद उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है, 30 से 40 किलोग्राम प्रति जो कॉम्ब या छत्ता, इससे शहद का उत्पादन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो ठीक है, ये आपका आंसर निकल आया, तो करेक्ट आंसर क्या है, एपिस फ्लोरिया। चलते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 स्पीसीज है अलग अलग, क्लियर, मेरे माइंड में गड़बड़ हो गया, एपिस मेलिफेरा सही है, जिनका भी एपिस मेलिफेरा, मैं कंफ्यूज हो गया यार, क्लियर, एपिस मेलिफेरा ए वाला आंसर जिन्होंने भी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, एपिस मेलिफेरा। पढ़ाते पढ़ाते सब जो है ना गड़बड़ हो जाता है दिमाग में। हाँ देखो, ये 5 वेराइटीज है जो पहले हमने पढ़ी थी पहाड़ी मधुमक्खी, क्लियर। तो पहाड़ी मधुमक्खी, क्लियर, एपिस डोरसाटा एपिडी फैमिली के अंदर आती है, इंडियन भी एपिस सेरेना इंडिका, ये भी एपिडी फैमिली के अंदर आती है। फिर लिटिल हनी भी, ये है एपिस फ्लोरिया, क्लियर, कौन सी है, एपिस फ्लोरिया, ये भी एपिडी फैमिली में आती है। यूरोपियन या इटालिक या एग्जोटिक भी, क्लियर, जो विदेशी मधुमक्खी है, क्लियर, जिसको हम क्या बोलते हैं यूरोपियन मधुमक्खी, वो है एपिस मेलिफेरा, क्लियर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, कभी कभी दिमाग जो है चीज़ें कुछ विशेष तरीके से सोचने लग जाता है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और फिर गलत आंसर निकल आता है। बस यही कि यही दिक्कत एग्जाम में भी होती है, हम वहाँ लगाने कुछ और जाते हैं, दिमाग में कुछ और चलता है और गलत आंसर की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो जिसका भी ये वाला आंसर था बिल्कुल करेक्ट है, एपिस मेलिफेरा, क्लियर। फिर एक डंबर या स्टिंगलेस, जिसके अंदर बिल्कुल भी कांटे नहीं होते हैं, क्लियर, मींस डंक नहीं होता है। डंक के अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, आपको पता होना चाहिए। और इसका नाम है मेलिपोना स्पीसीज या इरिडी पेनिस, क्या है, मेलिपोना इरिडी पेनिस, ये मेलिपोरिडी फैमिली के अंदर आती है। तो ये अलग अलग प्रकार की जो मधुमक्खियां हैं उसमें अगर आप देखो तो ये वाला आपको जो क्वेश्चन पूछा था ये मधुमक्खी होती है, क्लियर। यहाँ पर आप सभी को पता है भैया मधुमक्खी एक सामाजिक या सोशल इंसेक्ट है। मधुमक्खी के अंदर 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, कौन कौन से, तो ड्रोन होता है, ड्रोन आप सभी को पता है भैया, नर होता है, क्लियर, नर का पता होना चाहिए भैया, इसके पिता नहीं होते लेकिन दादा होते हैं, क्यों, क्योंकि ये अनफर्टाइल जो एग्स होते हैं, क्लियर, अनफर्टाइल अंडे से क्या बनता है, ये बनता है ड्रोन। तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो केवल इसकी माता के होते हैं, पिता के नहीं होते, क्लियर, लेकिन माता के पिता होते हैं इसलिए इसके दादा हैं लेकिन इसके पिता नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जिसको ड्रोन कहा जाता है, ये मोटा होता है, लंबाई में कम होता है। फिर दूसरा अगर हम देखें तो क्वीन, रानी, क्लियर, एक छत्ते के अंदर अगर आप देखो तो 200 से 400 तक आपको ड्रोन्स मिलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर जो क्वीन है या रानी है ये केवल छत्ते में एक ही होती है, कितनी होती है छत्ते में, पूरे छत्ते में केवल कितनी रानी होती है, तो छत्ते में केवल एक रानी होती है, क्लियर, ध्यान रखना। और इसका काम कुछ नहीं होता, इसका काम केवल क्या होता है, तो मैथुन या नेपचुअल फ्लाइट जो होती है, नेपचुअल फ्लाइट के बाद में इसका केवल एक ही काम होता है, छत्ते में आकर अंडे देना, बस इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ये अपने पूरे जीवन में केवल एक ही बार क्या करती है, मैथुन उड़ान भरती है। और लगभग 2 करोड़ जो स्पर्म है वो मेल इंसेक्ट के ये अपने शुक्रधानी के अंदर स्टोर करके 2 से 3 साल तक रखती है, इसका जो लाइफ
होता है वो 2 से 5 वर्ष का होता है। कितने? 2 से 5 साल की इसकी उम्र होती है, इस चीज को ध्यान रखना। साथ ही साथ फिर आता है वर्कर, क्लियर। छत्ते में ये केवल ओक होती है, सबसे कम संख्या इसकी है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या 90% अगर देखो तो किसकी होती है? वर्कर की होती है। एक छत्ते में लगभग 30,000 से 50,000 तक मधुमक्खियां होती है, उसमें से अकेले 90% अगर बोलो तो वो कौन होता है? वो वर्कर या श्रमिक होता है, इस चीज को ध्यान रखना। वर्कर के अंदर डंक भी होते हैं, वर्कर के अंदर अगर देखो तो 2 जोड़ी मोम ग्रंथियां भी होती है जो कि ड्रोन और क्वीन के अंदर नहीं होती है। तो 2 जोड़ी जो मोम ग्रंथियां होती है वो कहां पर होती है? तो 3रे और 6ठे खंड के अंदर, जो उदर का आधार पृष्ठ होता है वहां पर 3रे खंड और 6ठे खंड के अंदर आपको 2 जोड़ी मोम ग्रंथियां मिलती है। किसमें? वर्कर में। ये छत्ते में सबसे छोटा सदस्य होता है, स्मॉलेस्ट, क्लियर। तो ये काफी कुछ चीजें हैं। इसके सिर में फेरेंजियल ग्रंथि होती है, क्लियर। कौन सी ग्रंथि? फेरेंजियल ग्रंथि, जिसको क्या बोलते हैं, इसको लार ग्रंथि भी कहा जाता है, और इससे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन युक्त द्रव निकलता है जिसमें कि लगभग 15 से 18% प्रोटीन होती है जिससे बनाई जाती है। और इस प्रोटीन युक्त द्रव को मिलाकर, किसमें? शहद में मिलाकर रानी के लिए भोजन बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है रॉयल जेली। तो रानी का भोजन क्या हो गया? रॉयल जेली। और बाकी जो भी है वो क्या खाते हैं? तो वो बी ब्रेड खाते हैं, क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये आप अगर देखोगे तो यहां पर काफी कुछ चीजें मिलेगी। फिर जो मधुमक्खी होती है, जो वर्कर्स होते हैं, उनकी पिछली टांगों पर पोलन बास्केट होता है, बालों का ऐसा गुच्छा होता है पोलन बास्केट, जो कि पिछली टांगों पर पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। अगली टांगों पर जो एंटीना ब्रश होते हैं, मध्य की टांगों पर आई ब्रश होते हैं, क्लियर। ये पोलन ब्रश भी जिनको कहा जाता है, मध्य की टांगों पर पोलन ब्रश होता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये मधुमक्खी के बारे में काफी कुछ चीजें थी। मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एक तो शहद इकट्ठा करना, दूसरा परपरागण में सहायता करना, और थर्ड होता है मोम, जो मोम प्राप्त होता है आपको, जो श्रमिक मधुमक्खी है उसमें मोम ग्रंथियों से मोम का स्त्रावण होना, ये 3 क्या है उसके लाभ है, एडवांटेज है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेशेंट सेंटर इज लोकेटेड इन, प्रशांत केंद्र या क्वेशेंट सेंटर कहाँ स्थित होता है, ये आपको बताना है। एक तो मैंने जनरल नॉलेज का क्वेश्चन तो आपको बताया था कि जो शांत घाटी है, क्लियर, क्वेशेंट वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है केरल में, क्लियर। वो शांत घाटी है, क्या है? शांत घाटी है, क्लियर। तो जो जड़ शीर्ष होता है, क्लियर, जड़ का जो शीर्ष भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट टिप या रूट एपेक्स, मूल शीर्ष, क्लियर, यहां पर पाया जाता है शांत केंद्र, क्लियर। तो इस चीज को ध्यान रखना भैया, मीन्स यहां पर जो कोशिकाएं होती है वो बिल्कुल कैसे एकदम डोरवेंसी में पड़ी रहती है, लेकिन किसी क्षति अवस्था में, मतलब अगर पौधे में कोई सी अगर क्षति हो जाए या नुकसान पहुंच जाए, ऐसी स्थिति में ये वापस सेल डिवीजन करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्र के अंदर जो कोशिकाएं होती है, क्लियर, इसी क्षेत्र को कहा जाता है शांत केंद्र, क्लियर। तो शांत केंद्र या प्रशांत केंद्र, प्रशांत सागर की बात नहीं कर रहे हैं, शांत केंद्र की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो इसको मोन केंद्र भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं? मोन केंद्र, क्लियर। तो मोन केंद्र जड़ के शीर्ष विभाज्योत्तक में, यह ध्यान रखना, जड़ के शीर्ष विभाज्योत्तक में एक क्षेत्र जहां कोशिका विभाजन बहुत धीमी गति से होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन कोशिकाएं विभाज्योत्तक गतिविधि को फिर से शुरू करने में सक्षम होती है यदि इसके आसपास के उत्तक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तब, क्लियर। तो ये ध्यान रखना। यहां पर अगर हम देखें तो ये अगर आप देख रहे हो तो ये जड़ का शीर्ष वाला भाग है, सबसे टॉप वाला भाग है, क्लियर। तो यहां पर तो आप सभी को पता है भैया, ये ऊपर वाला, ये वाला भाग तो रूट केप है, जिसको क्या कहा जाता है, मूल टॉप, और ये कैलिप्ट्रोजन नामक जो टिश्यू होता है उससे बना होता है, और ये बाकी जड़ को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, क्लियर। यहां पर अगर हम देखें तो आपका जो, हाँ, ये है कोएफिशिएंट सेंटर, ये
ये जो हरे कलर का दिख रहा है, यहाँ की जो कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन की क्षमता अभी नहीं है, लेकिन अगर किसी कारण से जड़ में अगर कोई क्षतिग्रस्त अगर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, ये शांत केंद्र के अंदर जो कोशिकाएं हैं ये वापिस एक्टिव हो जाएगी और जड़ को रिपेयर कर देगी। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये शांत केंद्र का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय, वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न द्वारा मापी जाती है। तो बताओ भैया क्या आंसर होना चाहिए आपका। वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो किसके द्वारा मापी जाती, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। दर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हम उपयोग करते हैं पोटोमीटर का। किसका उपयोग करते हैं, तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसको गेनांग का पोटोमीटर कहा जाता है। क्लियर। तो यहां ध्यान रखना भैया, गेनांग का पोटोमीटर मतलब गेनांग ने बनाया था इसको, इसलिए इसको गेनांग का पोटोमीटर कहा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पर अगर देखो तो रेस्पायरोमीटर, तो आप सभी को पता है भैया, नाम से ही आप समझ गए हो, श्वसन मापी, श्वसन मापने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी है ये ध्यान रखना, रेस्पायरोमीटर। क्लियर। हाँ यादव जी भी बी वाला बोल रहे हैं, बी वाला गलत है, ये आपका जो है गेनांग का पोटोमीटर जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर दूसरा जो पोरोमीटर होता है, ये पत्ती पर उपस्थित जो स्टोमेटा या रंध्र होते हैं उन रंध्रों को मापने के लिए उपयोग होता है, ये रंध्र मापी होता है, पोरोमीटर रंध्र मापी। और ऑक्सेनोमीटर आप सभी को पता है भैया, ऑक्सेनोमीटर वृद्धि मापने के लिए उपयोग करते हैं। और अभी एक और नया जो वृद्धि मापक है उसका भी आप ध्यान रखना भैया, जिसको क्या कहा जाता है, क्रेस्कोग्राफ। क्लियर। क्रेस्कोग्राफ का भी नाम याद रखना, क्रेस्कोग्राफ जो होता है ये वृद्धि को बिल्कुल सेकंड में मापने का काम करता है। तो ऑक्सेनोमीटर बोले या फिर दूसरा क्या बोले, ऑक्सेनोमीटर या क्रेस्कोग्राफ, दोनों में से कोई सा भी अगर आंसर आपको बोले तो ये दोनों यंत्र जो है वो वृद्धि मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पोटोमीटर जो है ये वाष्पोत्सर्जन की दर ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलो ठीक, तो देखते हैं क्या है ये वाष्पोत्सर्जन, क्या है पोटोमीटर, क्या है। तो यहां पर अगर हम देखें तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन सीधा सा अगर मैं सिंपल सी भाषा में अगर बताऊं तो क्या होता है वाष्पोत्सर्जन, तो पौधे के जो एरियल पार्ट होते हैं, हाँ मैनोमीटर, हाँ पटीदार जी आ गया बिल्कुल, हाँ जड़ विभव मापी, इसको दाबांतर मापी भी कहा जाता है। मैनोमीटर जो होता है वो दाबांतर मापने के लिए या प्रेशर मापने के लिए उपयोग करते हैं। क्लियर। हाँ गुर्जर जी डी वाला आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है पोटोमीटर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ट्रांसपिरेशन द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू द ए प्लांट, अगर सीधी सी भाषा में मैं अगर बोलूँ तो जड़ों द्वारा जो भी पानी जमीन से खींचा जाता है उसको पौधे का जो एरियल पार्ट होता है, मतलब जड़ों को छोड़कर जड़ के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, चाहे वो पत्तियां हो, शाखाएं हो, फूल हो, फल हो, क्लियर, इनके द्वारा अगर पौधे का जो पानी है वो वाष्प या वेपर फॉर्म में क्या होता है, उड़ जाता है वायुमंडल में या बाहर निकलता है, तब हम इसको वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा अगर इसी में अगर आपको बोले तो तीन प्रकार का, अच्छा एक बात और ध्यान रखना भैया, जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसमें पौधा जितना भी पानी खींचता है उसका लगभग 99.5% पानी जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन में क्या कर देता है, लॉस कर देता है। लगभग आधा से 1% पानी ही वो क्या करता है, अपने उपयोग में लेता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो बिल्कुल 1% पानी उपयोग कर रहा है, बाकी 99% पानी क्या कर रहा है, वो वाष्प के रूप में उड़ा रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसीलिए यहां पर एक वैज्ञानिक थे कॉल्टिस, इन्होंने 1926 में वाष्पोत्सर्जन को क्या कहा, तो इन्होंने वाष्पोत्सर्जन को कहा नेसेसरी इवल, मींस हिंदी में अगर बोले तो आवश्यक बुराई। क्लियर। आप बोलोगे सर कैसा शब्द है ये आवश्यक बुराई, तो आवश्यक भी है और ये एक बुराई भी है। ये कॉल्टिस ने कहा है किसके बारे में, वाष्पोत्सर्जन के बारे में, ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो आवश्यक बुराई मीन्स नेसेसरी, वाष्पोत्सर्जन जरूरी भी है पौधे में और इसमें पानी की हानि होती है, इसलिए एक बुराई भी होता है।
क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पानी की हानि होती, इसलिए एक बुराई है। लेकिन आवश्यक क्यों है? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के कारण ही जाइलम के अंदर क्या होता है, एक तनाव पैदा होता है, और उस तनाव के द्वारा ही निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा पानी खींचती है। साथ ही साथ जो एसेंट ऑफ सेफ है, रसारोहण की क्रिया होती है, जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुँचना, इसके लिए भी वाष्पोत्सर्जन जरूरी है। तो दो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। तीसरा जो वाष्पोत्सर्जन का उद्देश्य है पौधे का, वो है पौधे के टेम्परेचर या तापमान को नियंत्रित करना। तो तीन कार्य यहाँ पर होते हैं, कौन कौन से? पौधे के तापमान को नियंत्रित करना, दूसरा जो होता है वो वाष्पोत्सर्जनाकर्षण ससंजन बल सिद्धांत अगर आपने पढ़ा है, रसारोहण के लिए जड़ों से पानी को कहाँ पहुँचाना, पत्ती तक पहुँचाने या खींच के ऊपर, जो बड़े बड़े कई मीटर ऊंचे वृक्ष होते हैं, लंबे वृक्ष होते हैं, वहाँ ऊपर टिप तक क्या होता है, इस वाष्पोत्सर्जनाकर्षण ससंजन बल सिद्धांत के द्वारा क्या होता है, पानी ऊपर तक चढ़ता है। तीसरा, जड़ों के अंदर जो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है, दो प्रकार से जड़ें जल का अवशोषण करती है, एक होता है सक्रिय जिसको एक्टिव कहा जाता है, और दूसरा पैसिव होता है जिसको निष्क्रिय कहा जाता है। तो पैसिव जो एब्जॉर्प्शन होता है रूट्स का, या जड़ें जो पानी को खींचती है, वो किसके द्वारा होता है? तो वो भी वाष्पोत्सर्जन के कारण ही जड़ों के अंदर एक ऐसा प्रेशर पैदा होता है जिससे ये मिट्टी से पानी को खींचती है। तो ये तीन प्रकार, दो प्रकार का जो आपका जल अवशोषण होता है, एक्टिव और पैसिव, इनमें पौधा सबसे ज़्यादा जो पानी का अवशोषण करता है 98% वो निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा ही करता है, और उसके लिए वाष्पोत्सर्जन बहुत जरूरी है। थर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है तीन प्रकार के ट्रांसपिरेशन, कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, मीन्स रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है भैया? तो पत्ती के ऊपर जो लीफ होती है, आप बोलोगे सर पत्ती तो इधर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो पत्ती है, पत्ती के ऊपर ये जो रंध्र है, स्टोमेटा है, इन स्टोमेटा से पानी का वाष्प के रूप में उड़ना स्टोमेटल या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे के अंदर सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन होता है 90% वो स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन ही होता है। दूसरा अगर बोले तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, मीन्स जो क्यूटिकल परत तो होती है पौधे की पत्ती के ऊपर, इस पत्ती के ऊपर एक पतली प्लास्टिक जैसी परत होती है। अगर आप देखो तो जो रेगिस्तानी पौधे या जीरोफाइट्स होते हैं उनमें ये परत मोटी होती है, ये क्या करती है, पानी की हानि को रोकती है। तो ये क्यूटिकल परत अगर कहीं से कट जाए, टूट जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पत्ती से पानी बाहर निकलता है, इसी को कहा जाता है क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन, और ये लगभग 8 से 10% होता है। और सबसे कम जो होता है वो है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर क्या है? तो ये जो होता है पौधे पर जो पत्तियों को छोड़कर शाखाओं पर, तने पर, तने और शाखाओं पर, साथ ही साथ फलों पर जो रंध्र होते हैं उनको लेंटिकल या वात रंध्र कहते हैं, और इन वात रंध्रों से जो पानी वाष्प बनकर बाहर निकलता है उसी को लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो ये लेंटिकल्स से होता है और ये सबसे कम होता है। तो तीन प्रकार का जो वाष्पोत्सर्जन है वो आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा है सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन कितना होता है, कितना प्रतिशत होता है, कितने प्रकार का वाष्पोत्सर्जन होता है, ये सब चीज़ें, या लेंटिकल कहाँ होते हैं, तो ये तने पर होते हैं, आप सभी को पता है। ये जो आप चित्र देख रहे हो ये है पोटोमीटर का, पोटोमीटर के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की दर को ज्ञात किया जाता है। तो ठीक है, ये मैंने वाष्पोत्सर्जन पूरा रिवाइज करवा दिया एक तरह से। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, इन कुकरबिट्स हाइपोडर्मिस इज फॉर्म्ड ऑफ, कुकरबिटों में अधर चर्म किसका बना होता है, किसका बना होता है, आप लोगों को आंसर देना है। तो फटाफट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोलेन काइमा। क्या है? कोलेन काइमा, जिसको एक और नाम से कहा जाता है स्थूल कोण उत्तक। क्या बोलते हैं? स्थूल कोण उत्तक। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। राजपूत जी बी वाला आंसर दे रहे हैं। तो यहां पर कोलेन काइमा या स्थूल कोण उत्तक जो है वो करेक्ट आंसर होता है। ये जो अगर आप देख रहे हो स्क्लेरेन काइमा,
तो ये दृढ़ उत्तक होता है, कठोर, क्लियर, बहुत ठोस होता है। और कुकर बिट्स के अंदर अगर आप देखते हो तो उसके अंदर जो हाइपोडर्मिस होती वो इतनी कठोर नहीं होती है, क्लियर। दूसरा अगर यहाँ पर देखो तो जो एरेनकाइमा है ये मृदु उत्तक का ही एक प्रकार है, पेरेनकाइमा का ही एक प्रकार होता है एरेनकाइमा। पेरेनकाइमा पौधे के जो सॉफ्ट भाग हैं, मुलायम भाग होते हैं, जैसे पत्ती है, या फिर अगर आप बोलो तो शीर्ष कलिका है, या कलिकाएं हैं, या मुलायम शाखाएं, वहाँ पर पेरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है। लेकिन पेरेनकाइमा उत्तक में क्या होता है, कोशिकाओं के बीच में खाली जगह होती, स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, तो उस स्पेस में अगर हवा भरी होती है तब उसको कहा जाता है एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा। और जब पेरेनकाइमा उत्तक के अंदर क्लोरोफिल होता है, मीन्स वो प्रकाश संश्लेषण करता है पौधे का, जो हरा भाग है वहाँ पर जो पेरेनकाइमा होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो क्लोरेनकाइमा या पेरेनकाइमा अगर आ जाए, क्लोरेनकाइमा या एरेनकाइमा, तो ये दोनों क्या हैं, ये पेरेनकाइमा के ही प्रकार होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होते हैं ये टिश्यूज या उत्तक। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको तीन अलग अलग प्रकार के टिश्यू दिख रहे हैं। तो पहला आपको जो दिख रहा है ये है पेरेनकाइमा टिश्यू, तो ये मृदु उत्तक होता है, मृदु उत्तक मतलब सॉफ्ट या मुलायम। तो यहाँ कोशिकाओं के बीच में, ये जो कोशिकाएं हैं इनके बीच में खाली जगह होती है, स्पेस, ये देखो ये खाली जगह है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा आता है कि कौन सी कोशिकाओं, कौन से उत्तक में कोशिकाओं के बीच खाली जगह या स्पेस होता है, तो वो है पेरेनकाइमा। पौधे के जो सॉफ्ट या मुलायम भाग होते हैं उनमें पेरेनकाइमा पाया जाता है, और पेरेनकाइमा के अंदर विभाजन करने की क्षमता या कोशिकाओं, एक कोशिका से दो कोशिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन करने की क्षमता पेरेनकाइमा टिश्यू के अंदर होती है। ये पौधे के जो मुलायम भाग होते हैं वहाँ पाया जाता है। दूसरा हम बोलते हैं कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा जो होता है वो पौधे के ऐसे भागों में पाया जाता है जहाँ तन्यता होती है, तन्यता मतलब जिसको आप मोड़ने के बाद पौधा वापिस सीधा हो जाए, टूटे नहीं, क्लियर। तो ऐसे जो जैसे शाखाएं आप देखते हो, क्लियर, तो शाखा को आप झुकाते हो और झुकाने के बाद जैसे ही छोड़ते हो वापिस सीधी हो जाती है। तो इनके अंदर जो अर्ध दृढ़ होते हैं, पौधे के अर्ध दृढ़ भाग या सेमी हार्ड जो पार्ट होते हैं, वहाँ पर कौन सा जनरली पाया जाता है, कोलेनकाइमा, या आप अगर बोलो तो उसको स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है। लेकिन पौधे के जो कठोर भाग होते हैं, कठोर भाग मतलब बिल्कुल हार्ड, जिनको अगर आप झुकाने जाओ तो वो टूट जाएंगे, क्लियर, तो ऐसे भाग के अंदर जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा, सॉरी स्क्लेरेनकाइमा, या जिसको हम बोलते हैं दृढ़ उत्तक या कठोर उत्तक, इसके अंदर पाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है कि अंतर कोशिकीय स्थान किस में होता है, पेरेनकाइमा में, क्लियर, इंटरसेलुलर स्पेस। फिर पौधों में जो तन्यता होती है, मीन्स इलास्टिसिटी होती है, जिसको हम रबड़ जैसा गुण जो होता है कि झुकाने के बाद, झुकने के बाद वापस सीधा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर वो किसके कारण होता है, तो कोलेनकाइमा या जिसको स्थूल कोण उत्तक कहते हैं, उसके कारण तन्यता आती है, इलास्टिसिटी आती है। और पौधे के जो हार्ड भाग होते हैं, कठोर भाग होते हैं, कठोर भागों में कौन सा उत्तक पाया जाता है, जैसे स्टेम है, क्लियर, या फिर पुरानी शाखाएँ हैं, तो उनमें कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो वो स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ उत्तक पाया जाता है। तो तीनों जगह अलग अलग, ये एकदम मुलायम जगह, ये अर्ध मुलायम जगह, और ये ठोस, जहाँ पर भी पौधे का ठोस भाग होता है वहाँ क्या होता है, वो दृढ़ उत्तक होता है। तो तीनों उत्तक के बारे में आप ये ऊपर सुपरफिशियल ध्यान रखना, बाकी तो इसके अंदर पढ़ने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ जो पेरेनकाइमा होता है, इसके अंदर अगर कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर अगर हवा भरी हो, तब हम इसको, इसी पेरेनकाइमा को एक नाम से और बोल देते हैं, जिसको कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा है, एरेनकाइमा। और अगर इन कोशिकाओं के बीच प्रकाश संश्लेषण करने वाला पदार्थ, मीन्स क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल अगर मौजूद है, ये अगर हरा है और पौधे प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं इन कोशिकाओं में, तो फिर इनको क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। आपने देखा होगा धान के अंदर, तो धान की जो जड़ें होती उनके अंदर एरेनकाइमा पाया जाता है, या जो भी जलीय पौधे होते हैं
उनके अंदर किस प्रकार का पेरेन्काइमा होता है, तो एरेन्काइमा होता है जिससे वो पानी पर आसानी से तैर सके। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया है।